भैया राधे राधे राधे। और बाबा जी ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ हमें जी कि मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। अच्छा ज्ञान की बातें आपको बताऊँ जी। देखिए हमेशा इंसान को कभी मतलब किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए और किसी आदमी का भला बुरा मतलब नहीं करना चाहिए। जो है भलाई करें हमेशा, किसी का बुरा मत करें, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, हर इंसान से अपना प्रेम बनाए रखें और चोरी ना करें कभी, क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। झूठ हमें झूठ मेरा कभी नहीं साथ देगा, सत्य मेरा हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए हर प्राणी को हर मनुष्य को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और एक दूसरे से हमेशा मिलजुल के रहें, क्योंकि एकता में ही बहुत बड़ा बल होता है। ठीक बाबा जी धन्यवाद। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम बच्चा, जय श्री राम। बाबा जी एक बात बताओ हमको। पूछो। कुछ हमें अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? अच्छा बनना के लिए तुम्हें जुआ शराब मतलब कि इन चीज़ों से घृणा करनी होगी और तुम्हें मतलब कि सपना होता है बच्चों का कि कुछ पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएं या कुछ सीख जाएं तो उसकी सत्य की राह पर चलें, असत्य के मतलब कि झूठ बोलने वाले मतलब झूठ भी ना बोलें और चोरी तो कतई ना करें क्योंकि चोरी जो करता है उसी के लिए पाप होता है और पाप हमेशा वो एक पत्थर की लकीर का बन जाता है। तो आपको सत्य के मार्ग पे चलना है जी। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा जी हमें कुछ ज्ञान की बातें बताओ, मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ। अच्छा बच्चा हमेशा जीवों पे दया करें, कभी हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, कभी हमें बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संगत से गनु उपजे संगत से गुनु जाए, बांस फांस मिश्री एक कवि भाव बिकाए। हमें बुरी संगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा जीवों पे दया करें। अगर जब आप जीवों पे दया करेंगे तो भगवान आप पे दया करेगा। ठीक है बातों पर हमें गौर करनी चाहिए। वो बता रहे थे कि जीवों पर दया करें और चोरी मत करें, शराब मत पिए। सही बात है, गलत काम होता है और बुरे लोगों की संगत करेंगे तो बुरा गुण आएगा और अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छा गुण आएगा। सही है बाबा जी। सभी को राम राम नमस्कार। हमारी कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छी संगत करें, कभी झूठ ना बोलें, भगवान के चरणों में मन लगाएं और आपका जीवन धन्य होगा। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें।